कृषि हेल्पलाइन विच किसान दी ज्यादा स्वागत है। अज असीं पहुंचे हाँ जिला मोगा दे पिंड चन्नूवाला विखे सरदार तेजा सिंह दे डेयरी फार्म ते। 1962 विच पीएयू तों बीएससी करके सरदार तेजा सिंह ने अपना डेयरी फार्म शुरू कीता सी। अज उन्हां दे बेटे सरदार जतिंदर सिंह जी साडे नाल ने। जतिंदर सिंह जी दसो, एक नवा डेयरी पालक जिन्हें अपना डेयरी पालन का धंधा हजे शुरू करना है, वो कन्फ्यूज होता है कि मैं मझ लवां जां गां लवां, देसी लवां जां एचएफ गां लवां, उहदे बारे कृषि हेल्पलाइन दे दर्शकां नूं दस्सो। ये जो इस तरह है जी, हैगी है मझ ते गां, ये सानूं वक्खो वक्खरी करनी पऊगी। मझ ते गां इकट्ठी नहीं रखी जा सकदी, दोनों की सांभ संभाल जी है वक्खो वक्खरी है। ये वक्री गल है भी जो कोई बंदा तरद करके वक्खो वक्खरा यूनिट इकट्ठा एक थान रख के चला सकता, तो वह मैं इस तरह कहना भी जी है ज बंदे आपका देखना चाहिए भी वह दुध की मार्केटिंग कहोजी है, भी वह सीधा दुध बेचना चाहता है। जो उन्हें सीधा बेचना तो मझ आए पास आना चाहिए, गाइया वाले पास जी है हाले तक लोगों का टेस्ट उन्ना वधिया नहीं बनया। और जो उन्हें प्लांट में दुध पाना तो फिर जी है फिर गाइया बेस्ट है। एच एफ गां जर्सी है, एच एफ है, इन्हों दुध वधिया प्लांट वाले हिसाब नाल जी है चल जाता बहुत वधिया, क्योंकि उत्थे जी है गाइया का एक वक्खरा रेट है और वक्खरा ही जिहड़ा हैगा लार्ज फार्म के नाँ ते नंबर मिल जाता, तो वह जी है वधिया उहदा हो जाता सेल। तो जी आम साडी जी मार्केट जिहड़ा हैगा मझ दे दुध नूं अज भी जिहड़ा हैगा लोग बड़े शौक नाल चाह नाल खरीदते। इहदे नाल ही जी है जिवें आ गया देसी गां का ते एच एफ गां का, इहदे च भी इह है भी जिहड़ियां देसी गावां वह बिना शक वधिया, उहदे च कोई मैं दो राय नहीं गिया। देसी गावां ते एच एफ गावां इन्हां दा फर्क हैगा, उह च फर्क इह है भी जिहड़ियां देसी गाइयां है उन्हां दा दुध जिहड़ा हैगा वह मकदार घट है, 12-14-15 किलो तो वध दुध नहीं दिंदियां। पर उहनां नूं जिहड़ा हैगा जे तुसीं वधिया खुराक पा के वधिया पा के उहनूं जिहड़ी हैगी है डायरैक्ट सप्लाई करोगे, सीधा जिहड़ा हैगा तुसीं डोर टू डोर पहुँचदा करदे हो जां जिहड़ी हैगी सीधी सीधी सप्लाई दिंदे हो और उहदा तुहानूं रेट वधिया मिलदा ते उह तुहानूं फायदा दे सकदियां, ते नहीं तां जिहड़ी हैगी है वह खर्चे नूं थाई है उह च कोई निकलदा नहीं। एच एफ गाइयां च इह है वी जदों असीं फार्म चलाउणा है ते साडे ते जिहड़े हैगे आ डेली दे खर्चे सारा कुछ पैंदा ही है, उहदा जिहड़ा इहनां दा इह है वी इहनां ने तां दुध जिहड़ा हैगा मीह जावे नेरी जावे सानूं आपदी समर्था मुताबक दुध दे देणा, इह च कोई कदे वी जिहड़ी हैगी इह समस्या नहीं आएगी भी जी है गाइयां नूं कोई समस्या आई होवे। देसी गाइयां च जी है ये समस्या सब तो वड्डी आ जाती है भी उहदी जिहड़ी सब तो पहलां जिहड़ी हैगी है उहदी इह वेख के जे किसी ने देसी गाइयां दा फार्म बनाउणा तां इह वेख के बनाउणा चाहीदा भी उहदे कोल उहदी दुध दी खपत हैगी है कि उहदा दुध दी सप्लाई जिहड़ी हैगी है जिन्ना उह पैदा करेगा, क्योंकि प्लांट ने तां जी एच एफ दा वी उही रेट है ते देसी गां दा दुध वी उही रेट है, उत्थे क्वालिटी दा कोई फर्क नहीं मानदा। इह जिहड़ी हैगी पिछले समें दे विच जिहड़ी हैगी है बड़े तरह का प्रचार होया जी जी है एच एफ गाइयां का दुध माड़ा जर्सी का च माड़ा ये देसी गाइयां का बड़ा वधिया है, ये बिल्कुल झूठ है, ये निर्भर है, ये कोई जी है सच नहीं गा, दुध इको जहा बशर्त यह भी जी है पा की रहे हो जिहड़ा पा रहे हो उस हिसाब से निकलता। ये ब्रीड जरूर साडी जी है लोकल हैगी है वह दुध 14-15 हद जी है कोई चंगी गां 20 दिंदी होगी, पर जिहड़ियां हैगियां साडियां एच एफ गाइयां वह जी है माड़ी तो माड़ी 20 किलो दुध दिंदी है, यह जी है उस तरह का कोई फर्क नहीं गा। यह तो इन्ना का हैगा भी जी सा मार्केटिंग के हिसाब न, क्योंकि लोग जी जी चीज़ में पसंद करते हैं वो पैदा की जा सकती है, पैदा की जा सकती है तो वो जी है उस तो मुनाफा भी लिया जा सकता है। जे जी है मान लो एच एफ गां का दुध 30 रुपये जाता है तो साहिवाल गां का जो 80-90 रुपये दुध विकता है तो मैं कहना कोई माड़ा नहीं, 10 किलो चो या 30 किलो के बराबर जा बढ़ेगा, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं गी, वो बंदा उन्नी क मेहनत कर सकता उन्नी कि जी है उन्होंने रख रखा सौखा है, उन्होंने जी गर्मी घट मानदी है, फायदे भी है इन्हें मैं कहता भी फायदे नहीं है, पर गल भी वो भी जरूरी है भी तुम किस एरिए बैठे हैं और थोड़े दुध की लागत है ही कहीं नहीं, जो लागत हैगी है तो देसी गां का फार्म वधिया, पर जे लागत है नहीं जे तुम कहो प्लांट में पाना दुध देसी गां का बिल्कुल नहीं, उस कोई फायदा नहीं होना घाटे वाला थोड़ा। एच एफ गाइया का जोड़ा हैगा वो जोड़ा है माड़े तो माड़ा जानवर भी चंगा दुध दे जाता, कोई ये दो रहा नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद।